शादी में मेरी बहन की शादी में ले लेना चलेगा, मेरी बहन की शादी में ले लेना चलेगा, घर चलाने वाला फ्रेश था, मेरे वाले साहब ने मेरे वाले साहब ने मेरा कमाने वाला एक ही पैसा चोरों में मर गया उन्हें, कुछ भी इसकी गलती नहीं है, जो भी है काजा की गलती है कि उन्हें ऐसा उसके जान के पीछे पड़ने से उन्हें फांसी डाल लिया। काजा बोलते ना हस्बैंड मेरे उन्हें एक रॉडी शीटर है और बोलते तो कई ऐसे केसेस है उनके के उन्हें कुछ भी उनको डर ये मेरी बच्ची की शादी 3 दिन है सर, 30 तारीख को शादी है। होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है हमारे को सुरक्षा दो, हमारे को इंसाफ दो साहब। आज से 19 साल पहले भी यही शर्ट था हमारे घर में, हमारे पीछे दुश्मना पड़े हुए साहब। ओली माता 19 साल पहले मेरे छोटे भाई का कभी भी ऐसी था साहब, आज मेरी बच्ची की शादी है साहब। रहती मच्छी है मेरे बाबा, बच्ची का बाबा बनी है। मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, 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 मेरी जिंदगी तबाह कर दी मेरा कमाने वाला एक ही अच्छा घर बनाया, अब लाके दे इधर से पैसे भर के जमा कर रहा था। चोरों में मर गया उन्हें, कुछ भी इसकी गलती नहीं है, जो भी है काजा की गलती है कि उन्हें ऐसा उसके जान के पीछे पड़ने से उन्हें फांसी डाल लिया, और कुछ भी नहीं है पुलिस भी पुलिस को भी बोले, पुलिस भी ढूंढ रही है नहीं,
क्या बोलते सो, वो जो बच्चा मरा ना, वो बच्चा कारोबार वाला था, इज्जत को मारता था। और बोलते सो, ये जो खाजा बोलते ना हस्बैंड मेरे, उन्हें एक रॉडी शीटर है। और बोलते सो कई ऐसे केसेस है उनके के उन्हों कुछ भी, उनको डर और कुछ भी नहीं है, ना किसी की इज्जत की नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस वजह से उन उसके पीछे पड़े हुए हैं। और मैं ये सिफारिश कर रही हूँ, वो बच्चे को इंसाफ दियो, के उन्हें उसके माँ का एक बेटा था, पूरा घर का जिम्मेदार बंदा था वो, उन्हें बिना मतलब के दोनों के चक्कर में जान से चले गया। जो भी है खाजे से, जो भी कर रहे पुलिस वाले, जैसा भी कर रहे उसको इंसाफ दिलाओ। जो भी खाजा कुछ है देखो, उन्हें पीछे पड़ा उसके। मैं शाइन बेगम बात कर रही हूँ, हसन नगर इंदिरा नगर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम सैयद ख्वाजा पशा है, ख्वाजा डॉन बोलते हैं। और जो भी जाफर बोल के नाम का बच्चा है, वो इनके साथ वाला ही है, इनके साथ ही घर को आता था। और बोलते गोश्त का ही दुकान है उसकी, घर को गोश्त लेके आना, ले जाना, इनके साथ आना, खाना पीना। और बोलते सो इनुष लाए उसको घर में, उन्हें अकेले से कभी भी नहीं आया, जब भी आता था खाना उना खाना करना, इनके साथ ही जाना, इनके साथ ही जाना। जैसा मैं दूसरे बच्चों से बात करती थी, वो बच्चे से भी वैसी बात करी, तो मरद के दिल में गलत फहमी बैठ गई कि हम लोग का कुछ ऐसा रिश्ता है। बल्कि समझे ही मैं, उन्हें ऐसे कुछ भी रिश्ता नहीं है, बल्कि समझाने के बावजूद भी यकीन नहीं करा। मेरे को तलाक दे देता हूँ बल्कि बोला तो भी मैं तलाक नहीं देती, मैं गलती करी ले तो तलाक कहीं को दी, बस्ती छोड़ के चले जाओ बोल तो बस्ती छोड़ के चले गई। वो बच्चा भी बस्ती छोड़ के चले गया। कितने 8 दिन हो गया इतवार को, आज को पूरे 10 दिन से वो बच्चा घर के बाए घर है, सबका घर का बड़ा बच्चा है उनके। वो बच्चे की कुछ भी गलती नहीं है, तभी वो बच्चे की जान के पीछे पड़े हुआ था, उन्हें उसको टॉर्चर कर रहा था, इसकी अम्मा की, इसकी बहन की, पूरे घर में गुजर रहा। मार दे तो मैं, तू कहा है रे, तू इधर आ, मैं तेरे को चाकू भोंके तक मैं चैन से नहीं बैठता हूँ। बल्कि सब फोन करके भी धमकी दिया, जिस दिन मालूम हुआ इसको, मेरे को पूछा घर में के क्या बात कर रही थी तू, वो है बोले तो कुछ भी नहीं जी, फ्रेंड थे उनके सर पे बात कर रही थी मैं, बोले तो सुना नहीं। सुबह सुबह जाके उसको होटल करने ठहर के फोन करके, तेरी अम्मा को चोदू, तेरी बहन को चोदू, बल्कि से गंदे गंदे गालियां दे के, तू आ तेरी गांड फोड़ देता हूँ, चाकू घुसर देता हूँ, ऐसे ऐसे बातें बोल के उसको डराया धमकाया, उन्हें डर के बस्ती छोड़ दे के चले गया हसन नगर में। उन्हें 10 दिन से नहीं है, मैं भी हसन नगर छोड़ दिया, बाद में भी उसका पीछा नहीं छोड़ के उन्हें क्या करा, और उसका पीछा उठाया, पीना खाना, और उसको उसको जान से मार दे तो बल्कि ऐसा करने से उसको टॉर्चर वह करे। इस वजह से आज उन्हें फांसी डालने के मर गया उन्हें। खाजा डॉन उसका नाम, हसन नगर में रहता, बच्चा बच्चा पहचानता उसको। और बोलते तो ऑलरेडी उन्हें 2 शादीशुदा था, 2 जोड़ा छोड़ के चले गए थे, मैं तीसरी थी। फिर और एक मेरे बाद में, और एक करने के बाद में भी मैं जिंदगी कर रही थी उसके साथ, मेरे बच्चिया है, उसको भी बच्चे हैं। और वो ये भी सोच के, अगर मेरे को कोई और आदमी की ख्वाहिश रहती तो मैंने दूसरी शादी करने के बाद में मेरे सामने ला के रखा उसको। फिर मैं कैसा चीती थी इसके साथ, जब भी चली जाती थी ना दूसरे के साथ, मगर वो बच्चा बेकसूर है, कुछ भी गलत नहीं करा, काली पुलिस के टॉर्चरों में मर गया उन्हें, कुछ भी इसकी गलती नहीं है।